दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दूत और मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। आज विधानसभा चुनावों के नामांकन भरने का अंतिम दिन था, जहां भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने शक्ति प्रदर्शन के साथ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामांकन दाखिल किए। वहीं राजनीतिक उलटफेर के तहत भाजपा के शिवराज बागी बन गए हैं। जी हां, वर्ष 2009-10 के विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक शिवराज शाह अब भारतीय जनता पार्टी से ही बागी तेवर अपना रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे पिछले इलेक्शन में बिछिया से लड़वा दिया गया और इस आश्वासन के बाद कि आने वाले समय में मंडला विधानसभा चुनाव से पार्टी टिकट देगी, लेकिन पार्टी ने उनके साथ विश्वासघात किया है और उन प्रत्याशियों को टिकट दिया है जिनका ना तो जनता के बीच पैठ है और जिनकी प्रतिष्ठा भी पब्लिक के बीच में धूमिल है। यह आरोप शिवराज शाह का है। ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ी कि आपको अपनी ही मात्र संस्था से विद्रोह की स्थिति में आना पड़ा? देखिए, मैं मंडला विधानसभा का पूर्व का विधायक था, लगातार लोगों के बीच में काम करता रहा। 2018 में मुझे बिछिया भेजा गया, बिछिया में मैं काम करता रहा। मुझे प्रदेश नेतृत्व ने कहा कि आपको मंडला से चुनाव लड़ना है, मैं मंडला में तैयारी करने लगा। अंत समय में आपने देखा प्रत्याशी किसको बनाया गया, और मैं किसी प्रत्याशी के बारे में अब बार बार कहूँ वो उचित नहीं है। मुझे लगा कि जिस संस्था में मैं छोटे से उम्र से काम किया हूँ और उस संस्था में अगर मुझे उस लायक नहीं समझा गया और मंडला की जनता ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा मामला सामने है। आप लोग को भी पता है, जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी उस समय छठवीं अनुसूची की बात आई थी, और उस समय कौन छठवीं अनुसूची के साथ थे और कौन छठवीं अनुसूची के विरोध में थे, यहाँ की जनता ने देखा है। मैंने उस समय कहा था मंडला की धरती पर मैं अन्याय अत्याचार नहीं होने दूंगा, और फलस्वरूप 2003 में यहाँ की जनता ने मुझे ऐतिहासिक मतों से चुनाव जिताया था और पुनः यहाँ की जनता निर्दलीय के रूप में अपना समर्थन दे रही है, जिसमें आप सब शामिल हैं। क्या ऐसी कोई परिस्थिति है जो आने वाले दिनों में आपको विड्रॉ करा सकती है? देखिए, मैंने पहले ही कहा है, भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए माँ के समान थी, मेरे लिए मंदिर थी, जहाँ से मैंने राजनीति की शुरुआत किया था। लेकिन उस मंदिर के अंदर जो लोग हैं उन लोगों को लगता है कि हमारे जैसे व्यक्तियों की जरूरत नहीं है, तो वापसी का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मंडला शिवराज शाह के खड़े होने से मंडला विधानसभा सीट का समीकरण विचित्र हो सकता है यदि वह वास्तव में अंत तक बागी बने रहते हैं तो। अब देखना यह है कि शिवराज शाह शिवराज सिंह चौहान की मान मनोबल के बाद विड्रॉ करते हैं या नहीं, अन्यथा आने वाले समय में यदि वे सीट पर बागी रहते हैं तो यह चुनाव त्रिकोणीय दिलचस्प होने की संभावना के साथ साथ भाजपा के लिए खतरे की घंटी भी बन सकता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, चैनल को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।